रात को देखो मेरी आंखों में, दिन को देखो रात को देखो, आलम को देखो मेरी आंखों में, देखो इस दीवानी को संजीव में देखो, तुम संजीव में देखो तो ऐसे मैं खुतान हूँ। खुतान? तुम खुतान नहीं हो बेटी मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम खुतान हो? तुम खुतान नहीं हो। चलो मेरी बच्ची, चलो चलो चलो। हाँ हाँ मैं खुतान हूँ, मैं खुतान हूँ। रात को देखो मेरी आंखों में, दिन मेरी आंखों में है, आलम मेरी आंखों में है, मेरी आंखों में दिन देखो, मेरी आंखों में देखो। ये जलजला मुझे नाबूद करके छोड़ेगा। खुदा खुदा मुझे नाबूद करके, मुझे नाबूद करके खुदा। पीते जा और पिलाते जा। आओ ये क्या हो गया है? सुबह की नमाज क्या चार रकत हो गई? जहां तक मैं जानता हूं नहीं। फिर उसने चार रकत क्यों पढ़ी? अबू ज़ैनब वलीद अपने हवास खो बैठा है, सुबह की नमाज उसने चार रकत पढ़ा दी। हैरान हूं मैं, आज तक मैंने उसे इस हालत में नहीं देखा। बाबा इसने सुबह की नमाज चार रकत क्यों पढ़ी? बाबा ये वलीद ने क्या कर दिया, इसने इस तरह क्यों किया? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? चार रकत पढ़ा दी है। कहाँ है? और पढ़ा दो ज्यादा पढ़ा दी, ज्यादा बेवकूफ, दो रकत ज्यादा पढ़ा दी। दो रकत मेरी तरफ से। अय्युहन नास, तुम्हारा अमीर बुखार की वजह से बीमार है, वो हजियान बक रहा है, उसे सख्त बुखार है। आग की तरह बुखार में शिद्दत की वजह से उसने दो रकत नमाज के बजाय अगर चार रकत नमाज पढ़ा दी तो क्या गुनाह किया? शराब की हकीकत का क्यों इनकार कर रहे हो शायर? बदन तो बिल्कुल ठंडा है। वही तुझे तो बुखार नहीं है।
जिसको भी इस मलून की खबासत पर शक है वो अपने कान खोल कर सुन ले। जमाने जाहिलियत में जिसने भी शराब पी है और उसकी बू को पहचानता हो उसके मुंह को सुने। लानत हो उन पर जो सिर्फ माले दुनिया की खातिर खामोश बैठे हैं। वलीद के सिक्कों पर पलने वाले आए और आकर देखें कि किस बदबूदार लाशे की इख्तदा की है। बनी अज और असद तो दुश्मनी से कहते हैं, तुम लोग तो गैर जानिबदार हो। कभी शराबी भी पेश नमाज देखा है? ये रहा जुर्म का सबूत, इस फसाद के जरासीम को तो मार देना चाहिए। एक फासिद को हमारा हाकिम बना दिया गया। मालिक, मैं इकरार करता हूं कि मुझसे शेख की तरफ ना इंसाफी हुई है। तुम सबसे ज्यादा शेख से नजदीक थे, बताओ मैं क्या करूं? क्या खलीफा से शिकायत करें? वलीद ने तुम में से कुछ लोगों की हिमायत से शेख को निकाला है। मदीने में मरवान ने उन्हें इतना पीटा है कि उनके सीने की हड्डियां टूट गई। अगर तुमने भी खलीफा से शिकायत की तो तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। कूफे में अगर वलीद को कत्ल करोगे तो खलीफा के खिलाफ जंग करने का हुक्म लग जाएगा। अब एक ही रास्ता है, जाके अली से मदद मांगो, शायद उम्मुल मोमिनीन आयशा भी तुम्हारी मदद करे। मदीना जाना चाहते हो तो जल्दी करो, अगर वही दोष में आ गया तो कूफे का रास्ता बंद कर देगा। तुम नहीं आओगे मालिक? वलीद और वलीदियों से निपटने के लिए मैं यही रहूंगा। चलो चलते हैं।